31 साल के प्रवीण कुमार निषाद ने गोरखपुर में 29 साल पुराना योगी आदित्यनाथ का किला ढहा दिया। 1989 के बाद ये पहला मौका है जब गोरखपुर की लोकसभा सीट पर गोरक्षधाम मठ के बाहर का कोई व्यक्ति काबिज हुआ है। 1989 से 1998 तक महंत अवैद्यनाथ और 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रहे। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद ने जीत का परचम लहराया। इस वीडियो में हम आपको योगी का राजनीतिक किला ढहाने वाले समाजवादी पार्टी के गोरखपुर सांसद प्रवीण कुमार निषाद के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रवीण मात्र 29 साल के हैं और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी लखनऊ से 2011 में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। क्योंकि जीते तो प्रवीण कुमार निषाद हैं, इंजीनियर। इंजीनियर होना बड़ी बात है। प्रवीण कुमार निषाद इंजीनियर हैं और हम तो मकान वाले बनाने वाले थे और पेड़ लगाने वाले इंजीनियर थे या पॉल्यूशन ठीक करने वाले इंजीनियर थे, लेकिन ये मैकेनिकल हैं, ये नट बोल्ट ठीक करने वाले इंजीनियर हैं। गाड़ी के पहिए कैसे घूम जाते हैं, पिस्टन कैसे घूमती है, इंजन अगर आपने देखा होगा, अगर गाड़ी का इंजन देखते हैं आप, तो इंजन को जब खोलोगे तो पिस्टन ऊपर नीचे चलती है, लेकिन कोई तो वजह होती होगी कि ऊपर नीचे चलने वाली पिस्टन आखिरकार पहिए को गोल गोल कैसे घुमाती है। ये पहिए को गोल गोल घुमाया है जो, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए गोरखपुर से इन्होंने पिस्टन का जो ऊपर नीचे चलने वाला मूवमेंट था उसको पहिए में बदल दिया। युवा प्रवीण के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रवीण के द्वारा जमा किए गए एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास कोई भी जमीन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण ने डिस्टेंस लर्निंग से MBA भी किया है। ये प्रवीण निषाद का पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रवीण के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी रितिका सरकारी नौकरी करती है। प्रवीण ने अपनी कुल संपत्ति लगभग 11 लाख रुपए बताई है, जिसमें उनके पास 99,000 की देनदारी भी बाकी है। प्रवीण और रितिका को एक बेटा और एक बेटी भी है। प्रवीण कुमार निषाद के पिता डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के संस्थापक हैं, गोरखपुर जैसे लोकसभा सीट से राजनीति में कदम रखने वाले प्रवीण ने शायद खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह गोरखपुर के सांसद बन पाएंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर सीट के इतिहास की बात करें तो ज्यादातर समय गोरक्षधाम मठ का महंत ही यहां से सांसद बनता रहा। योगी आदित्यनाथ को भी यह सीट अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ से विरासत में मिल गई थी। सीएम बनने के बाद योगी ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा परिषद के सदस्य बने। NMF न्यूज की रिपोर्ट।